नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेटवर्क टुडे। मैं जावेद अंसारी समीम सौदागर के साथ। कोरोना काल चल रहा है, इस दौरान सारे त्योहारों का जो हश्र हुआ वो आपने देखा। मेरे पीछे आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं रावण, किला परिसर में रावण पहली बार, रीवा के इतिहास में पहली बार जलाया जा रहा है। सांकेतिक रूप से इस बार सारे त्योहार मनाए जा रहे हैं। हमारे साथ विजयदशमी समिति की पूरी टीम मौजूद है, हम सबसे बात करेंगे। हालांकि उत्साह में कोई कमी नहीं है, लेकिन फिर भी कोरोना काल है, मनाना तो पड़ेगा, नियम तो मानने ही पड़ेंगे। हम बात करते हैं सबसे पहले विजयदशमी उत्सव समिति के अध्यक्ष प्रकाश तरानी से। प्रकाश जी, क्या कुछ खास है इस बार? इस बार इस विश्वव्यापी महामारी के कारण जो है, कोरोना काल को देखते हुए प्रतीकात्मक रूप से हमें परंपरा का निर्वहन करना था, इसलिए हमने समिति और किला प्रबंधन ये निर्णय लिया कि रावण वध दहन का कार्यक्रम जो है वो किले में आयोजित किया जाए और 115 वर्षों के बाद किले में रावण दहन का कार्यक्रम होगा। 115 साल का वक्त कम नहीं होता, 115 सालों बाद ये स्थिति आई है। बताइए, हमारी जो दशहरा तो यहाँ पूरे उत्साह के साथ मनाया जा रहा है, लेकिन COVID-19 को देखते हुए थोड़ा सा सोशल डिस्टेंसिंग का देखते हुए सब थोड़ा सा सूक्ष्म रूप से मनाया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए राजनारायण जी, आप पत्रकार भी रहे हैं, क्या आपने कभी ऐसा सोचा था ये दिन भी देखने पड़ेंगे? नहीं, दरअसल इस सदी में तो हम लोगों ने सोचा भी नहीं था कि ऐसे दिन आएंगे, लेकिन हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है। दशहरे के प्रति, पर्व के प्रति, चाहे जो भी पर्व बीत गए हों या जो हैं या मना रहे हैं, हमारे उत्साह में कोई कमी नहीं है और पूरे उत्साह के साथ मना रहे हैं। पूरे उत्साह के साथ हम लोग दशहरा मना रहे हैं। हम लोग भगवान राम का ये जो पर्व है रावण वध का, इसे विजय उत्सव के रूप में मनाते हैं। ये जरूर है कि इस बार संख्या बल हम लोगों ने नहीं आग्रह किया कि आए, और प्रशासन ने भी यही चाहा है, तो हम लोग सबके हितों को ध्यान में रखते हुए इस त्यौहार को मना रहे हैं। और उत्साह वही है, हृदय में उल्लास वही है, इसी तरह रावण वध। कमेटी मिलकर के मतलब जो है दशहरा मना रही है, सीमित संख्या में है, जो भी है ठीक है, बहुत ही उत्साहवर्धक कार्यक्रम है ये। भगवान को यहाँ लाना हुआ, आनंद बताइए। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की वैश्विक महामारी को देखते हुए हमारी टीम और समिति ने ये आयोजन किया। शहर रीवा शहर के भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में बेहद रूप से। जिस तरीके से कोरोना काल चल रहा है, यहाँ विजय उत्सव दशमी समिति के तमाम पदाधिकारी मौजूद है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। निश्चित रूप से अपने आप में काफी बड़ी बात है, उत्साह में कोई कमी नहीं है। बताइए, हर वर्ष की बात है, इस बार भी हम बड़े हर्षोल्लासों का रावण का दहन कर रही है। जो हम लोगों का वो उद्देश्य है, जो कोई पूरा कार्य करेगा उसका हर पूरा काम करने वालों का हस्त रावण की तरह होगा, एक बड़ा संदेश। सत्य की जीत है, बड़े धूमधाम से जुड़ा में दशहरा साल COVID-19 के सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत यह कार्यक्रम मना रही है। सीमित है सही, पर बहुत अच्छे से धूमधाम से मना रही है। नगर विजयदशमी दशहरा उत्सव, सबसे पहले दशहरा उत्सव समिति सभी रीवा नगर वासियों को बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं देती है, और हम लोग कोरोना गाइडलाइन के नियम अनुसार जो भी सरकार की गाइडलाइन उस हिसाब से दशहरा उत्सव कार्यक्रम मना रहे हैं, बड़े उत्साह के साथ। जय श्री राम, जय श्री राम। सांकेतिक रूप से परंपरा का निर्वहन किया जा रहा है, आप मीडिया कर्मियों को सांकेतिक रूप से परंपरा का निर्वाह किया जा रहा है, बुरा काम करने वालों का हश्र रावण की तरह होगा। विजयदशमी उत्सव समिति एक गंभीरता से पिछले कई सालों से लगातार उसी उत्साह उसी निर्वहन कर रही थी, लेकिन आज इस साल कोरोना की वजह से थोड़ा सा यहाँ पर वो चीज नहीं है, दर्शक नहीं है, पब्लिक नहीं है, पब्लिक के बगैर उत्साह
तो है लेकिन वो आनंद नहीं दिखाई दे रहा जो आनंद होना चाहिए था। हमारे साथ पूर्व महापौर वीरेन गुप्ता जी भी हैं, हम उन्हीं से बात करते हैं क्या क्या होना चाहिए था इस बार। सर प्रथम तो मैं शारदीय नवरात्रि की और विजयादशमी उत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं ज्ञापित करते हैं, क्योंकि हम सब जानते हैं कि बुराई में अच्छाई का जीत का प्रतीक है, असत्य पर सत्य की विजय का प्रतीक है। इसलिए हम लोग आज रावण दहन करके जो देश में व्याप्त बुराइयां हैं उसका दहन करेंगे, और जो रावण रूपी लोगों के मन में भाव आए हैं उनका आज हम लोग नाश करके उनका दहन करके भारत को अच्छी ओर ले जाएंगे। आज इस रावण दहन के कार्यक्रम संपन्न कराते हुए और माता रानी के 9 दिनों के कार्यक्रम में हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं कि जो विश्व का कोविड कोरोना काल आया है इससे इस पूरे विश्व को निजात मिले, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम के पालन करने वाले लोग हैं, इसलिए हम विश्व के कल्याण की बात करते हैं और विश्व का कल्याण होगा। क्योंकि आज मैं जहाँ पर खड़ा हूँ आपसे बात कर रहा हूँ ये भगवान महामृत्युंजय का गढ़ है, और भगवान महामृत्यु ने निश्चित तौर पर लोगों को मृत्यु से वरदान देंगे और इस कोरोना को इस हिंदुस्तान के साथ साथ आपसे बात करने का मेरा सबसे बात करने अंत में बात करने का मकसद यही था। महामृत्युंजय की नगरी रीवा कही जाती है, लेकिन जहाँ महामृत्युंजय विराजे हुए हैं हम उस जगह मौजूद हैं, उस जगह आज रावण का वध, रावण के वध के साथ कोरोना का भी वध, ऐसी मान्यता इस बार रीवा शहर के लोगों ने की है। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। अपने मेजबान जीशान जावेद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।